हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स जो सी में होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक बात का आप जरूर यहाँ ध्यान रखें कि जो बेसिक मीनिंग है आइडेंटिफायर का, डेटा टाइप्स का, कीवर्ड्स का, ये मीनिंग थ्रू आउट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। मतलब जो इनकी बेसिक डेफिनेशन है वो सेम होती है। जो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की जो डेफिनेशन सी में है वही सी प्लस प्लस में है, वही जावा में है। कीवर्ड की जो डेफिनेशन सी में है वही सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, इन सब में है। बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं। हो सकता हो सी में नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिफरेंट हों, जावा में कुछ अलग कीवर्ड्स हों, सी प्लस प्लस में कुछ और कीवर्ड्स हों, आइडेंटिफायर की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग हों, डेटा टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हों, बट जो बेसिक मीनिंग है इनका, जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेम होती है। फिलहाल आज हम सी के कीवर्ड्स, डेटा टाइप या आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप एक सी लर्नर हैं, आप सी पढ़ रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए आप पैचअप विद सी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिटेल्ड स्टडी के लिए आप पैचअप विद सी बुक को परचेज कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और बुक को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन करें या इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ऑल्सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर बेसिकली एक नाम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके। समझ में आ रहा है, आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करने वाला। किसी भी, जैसे जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरिएबल, फंक्शन, इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं, उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपका एक नाम होगा जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हम जितने भी वेरिएबल्स बना रहे हैं या जो भी हम फंक्शंस बना रहे हैं उनका हम एक यूनिक नाम रखते हैं, उस नाम को आप बोलते हो आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें तो वेर, एज या फंक्शंस की बात करें, एड नाम का हमने एक फंक्शन बनाया या माय फंक्शन, इस टाइप के, तो ये सब क्या कहलाते हैं? जो भी आपने जैसे वेरिएबल का, वेरिएबल बनाया तो आपने उसका एक नाम रखा एज, एज स्टोर करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर्स को बनाने के सी में कुछ रूल्स होते हैं। मतलब जब आप किसी वेरिएबल का नामकरण करेंगे तो आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रख के ही किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन का नाम रखना है। चलिए उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट, हमेशा आइडेंटिफायर जो है, या जब आप किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो आपका जो नाम है वो या किसी कैरेक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर दूसरे लैंग्वेज में हम बोले तो कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया इंट नम वन, ये आइडेंटिफायर है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये यहाँ पे किससे बना हुआ है, ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, ये वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है। कैर अंडर स्कोर नेम, ये कैसा है, वैलिड है या इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये अंडर स्कोर से बना है, कोई नंबर नहीं आया। अब ये वाला देखें, इंट वन नम, बिकॉज ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये जो नाम रखा है आपने ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये इनवैलिड है। आप इस तरीके से सी में वेरिएबल का नाम या इन सिंपल बोले आइडेंटिफायर आप नहीं बना सकते। ओके, तो ये पहला आपको ये ध्यान में रखना है रूल, कि कभी भी आपका जो आइडेंटिफायर है या वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड, आपके आइडेंटिफायर में वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल का नाम रख रहे हैं या फंक्शन का नाम रख रहे हैं तो उसमें बीच में वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं टोटल अमाउंट को रखने के लिए, तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, इंट टोटल स्पेस अमाउंट। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको कंपाइलर एक एरर मार्क करके देगा, ये कंपाइल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये वाइट स्पेस उसको समझ में नहीं आएगा। अगर इस टाइप को, इस टाइप के वेरिएबल्स या इस टाइप का अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे टोटल अंडर स्कोर अमाउंट, ये चल जाएगा क्योंकि अंडर स्कोर अलाउड होता है, तो आप
ऐसे लिख सकते हैं, या मिला के कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चल जाएंगे, बट वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी और सिंबल यूज नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूं पाई हैश कॉन्स्टेंट, तो ये इनवैलिड है, कंपाइलर आपको यहां पे एरर मार्क करेगा, आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर ये नहीं हो सकता। ओके, ये अंडरस्कोर के अलावा कोई और भी सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। इन प्लेस अगर आप अंडरस्कोर यूज करेंगे तो ये परफेक्टली वैलिड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर आप पहले लगा लें, बाद में लगा लें, बीच में लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस सिंबल के अलावा और कोई भी सिंबल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, दो वेरिएबल्स का सेम नाम नहीं हो सकता या दो आइडेंटिफायर्स सेम नहीं हो सकते। ओके, एक स्कोप के अंदर, अब ये स्कोप क्या है, जब हमने इससे पहले की ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन का स्कोप है, तो इसी के अंदर एक नाम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ओके, इससे क्या है, कंपाइलर को कंफ्यूजन होता है। ठीक, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे जब हम वेरिएबल्स को डीपली डिस्कस करेंगे तब। यहाँ पे आप एक नाम के दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते, यानी दो आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ आपने बनाया इंट ए, ओके, लेकिन जैसे ही उसके बाद आप बनाने की कोशिश करोगे फ्लोट ए, तो ये आपको एरर देने लगेगा, ये अलाउड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट जो आपको आइडेंटिफायर का रूल ध्यान में रखना है वो ये कि आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर मैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं, कंपाइलर को इनका मतलब पहले से मालूम होता है, इसलिए आप इस नाम के कोई भी आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोशिश करेंगे इंट केस बनाने की, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, बिकॉज ये जो केस है ये एक कीवर्ड है, इसलिए कंपाइलर इसे एरर मार्क करेगा और आपको प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं करेगा। यहाँ पे वो बोलेगा कि इस नाम का कीवर्ड, ये इस नाम का आइडेंटिफायर आप नहीं बना सकते। ओके, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसका मतलब कुछ और ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में, आप अगर उसको एक और नाम दे देंगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ये अलाउ नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफायर सी में केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो भी आप वेरिएबल या फंक्शन के नाम रख रहे हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। नेम, ये वाला नेम और ये नेम, मतलब आप अगर अपर केस में देते हैं या लोअर केस में देते हैं या स्टार्टिंग कैपिटलाइज करते हैं, तो ये सब डिफरेंट है। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल टू 18, अब आप इस एज वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते एज 25, बिकॉज यहाँ पे आपने ए अगर कैपिटल कर दिया तो कंपाइलर इसको इससे डिफरेंट मानेगा और इससे यहाँ पे आपको एरर मार्क करके देगा। सिमिलरली अगर आप ये पूरा कैपिटल में लिख देंगे तो भी ये इसे एरर मार्क करेगा। अगर आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना है या इसकी वैल्यू चेंज करना है तो आपको इसी का आइडेंटिफायर यूज करना होगा, दैट इज एज इज इक्वल टू 30, तभी ये सही काम करेगा। तो ये होता है आइडेंटिफायर और उसको बनाने के कुछ रूल्स जो आपको सी में ध्यान रखने हैं। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी एक एंटिटी यानी वेरिएबल या फंक्शन का नाम, ये चीज कहलाती है आइडेंटिफायर, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करने वाला मतलब आइडेंटिफायर। अगर आप सी में जब आप वेरिएबल्स का नाम करेंगे या जब उनकी नेमिंग करेंगे या वेरिएबल्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, तो आपको ये जो रूल्स हमने डिस्कस की हैं इनको माइंड में रख के काम करना है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यहां भी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, जो डेटा का टाइप बताए वो डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आपको बेसिकली टाइप डेफिनेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं वेरिएबल्स की, मतलब वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है, ये इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलती है, डेटा टाइप से मिलती है। ओके, नाम से ही हमें इसका इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही याद रखेंगे, डेटा टाइप मतलब जो डेटा का टाइप बताए वो डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस हमारे पास जो डेटा टाइप्स कॉमनली यूज हम करते हैं वो क्या है, इंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर्स को, मतलब जब भी आप इंट लगा के कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आप ये इंडिकेट करते हैं, आप कंपाइलर को ये बताते हैं कि जो वेरिएबल आप बना रहे हो वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला है, नंबर स्टोर करने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, ये इस टाइप की वैल्यूज वो स्टोर करने वाला है। कैर,
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब भी आप इस की डेटा टाइप का यूज करते हो तब आप क्या इंडिकेट कर रहे हो कि वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, एक कैरेक्टर स्टोर करने वाला है। फ्लोट, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब भी आप कोई इस डेटा टाइप का यूज करोगे किसी वेरिएबल को बनाने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यूज स्टोर करने वाले हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने वाले हो। इन ये हमारे तीन मेन डेटा टाइप्स होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसके छोटे बड़े भाई लोग हैं, जैसे कि ये भी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जैसे लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, अनसाइंड, इनसाइंड एंड और भी होते हैं। पूरी लिस्ट के लिए आप बुक या ऐप को मैं ये चीज देख सकते हैं। अब ये इनके बड़े छोटे भाई इसलिए है, जैसे इंट, इंट की अगर कोई वैल्यू या कोई नंबर है जो इंट की रेंज में नहीं है तो उसके लिए आप इसके बड़े भाई लॉन्ग को यूज कर सकते हो। अगर कोई चीज फ्लोट के रेंज के बाहर हो रही है तो आप उसके लिए डबल यूज कर सकते हो। अगर कोई काम बहुत या कोई नंबर बहुत छोटा है जो उसमें इंट बहुत ज्यादा बड़ा है उसके लिए, तो आप शॉर्ट यूज कर सकते हो। इस टाइप से ये अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अलग अलग अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट जो मेन तीन है वो ये है, इंट, कैर, फ्लोट। अभी आपको इन तीनों पे मेनली फोकस करना है। देखिए, हर डेटा टाइप के साथ में दो चीजें जुड़ी होती हैं और ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? या आप ये कह सकते हैं हर डेटा टाइप की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहली साइज और दूसरी रेंज। कौन कौन सी? पहली साइज और दूसरी रेंज। साइज मतलब डेटा टाइप प्रोग्राम की मेमोरी में कितनी जगह लेने वाला है, ये कैसे किससे डिफाइन होता है? उसकी साइज से, ओके? मतलब जब भी मैं बात करूं डेटा टाइप की साइज क्या है तो आप किसको पॉइंट करोगे कि वो प्रोग्राम में मेमोरी कितनी लेने वाला है। दूसरी होती है रेंज, मतलब आप किस रेंज तक का डेटा उस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो। मतलब सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज करके, तो आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस रेंज तक का, कितना डेटा उसमें आप रख सकते हो, ये कौन बताता है? रेंज। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि उसकी साइज क्या है किसी वेरिएबल की और उसकी रेंज क्या है। सी में, और मैं यहाँ स्पेसिफिकली सी की ही बात कर रहा हूँ, सी और सी प्लस प्लस की, इनमें जो डेटा साइज की डेटा टाइप्स की जो साइज एंड रेंज होती है ये कंपाइलर डिपेंडेंट होती है, ओके? और ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकती है। बट इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंट की बात करें, तो इंट की साइज आपको या तो 2 बाइट मिलेगी, 2 बाइट्स मिलेगी, या 4 बाइट्स मिलेगी। अगर इंट की साइज 2 बाइट्स है तो इसकी रेंज कुछ ये होगी, -3 to 768 से लेके 3 to 767। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक इंटीजर वेरिएबल में इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 30,000 एक नंबर में वेरिएबल में डालता हूं तो वो वैलिड है क्योंकि वो इस रेंज के अंदर है, ओके? अगर इस रेंज से बाहर का कुछ करना है तो फिर आपको लॉन्ग आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट्स और इसकी रेंज कुछ इस टाइप से होती है, 1.2 e to the power -38 to 3.4 e to the power +38। इस रेंज के बीच का कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमरल हम इसमें रख सकते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो इसकी साइज होती है 1 बाइट, ओके? और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -128 to +127। इस रेंज में आप कोई भी कैरेक्टर अब इसमें रख सकते हैं, और ये इस नंबरिंग में इसलिए है कैरेक्टर्स के लिए क्योंकि ये आस्की पे काम करते हैं। आई होप आपको उसका नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो आप आस्की का जो ट्यूटोरियल है आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, ओके? ये इनकी साइज एंड रेंज का कंसेप्ट है डेटा टाइप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्ट रेंज याद होना जरूरी नहीं है कि आपको ये रेंजेस ही, क्योंकि ये तो बहुत कम है और लॉन्ग की ज्यादा होती है। इनफैक्ट इंट भी अगर 4 बाइट्स का है तो उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, आपको ये इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इनका जो कंसेप्ट है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डेटा टाइप्स की कैटेगरीज की अगर हम बात करें, देखिए ये एक ब्रॉड पिक्चर है, फिलहाल समझने के लिए अच्छा है इसलिए हम इसको एक बार देखेंगे। देखिए डेटा टाइप को हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ओके? पहला प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप, ओके? सेकंड ड्राइव्ड डेटा टाइप एंड तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके? प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप नाम से ही समझ में आ रहा है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, ओके? जो मतलब बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो प्राइमरी हैं, जो प्री डिफाइंड है, ये वो डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट, कैर, फ्लोट, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप्स की कैटेगरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। दूसरे होते हैं ड्राइव्ड, ड्राइव्ड मतलब
जो ड्राइव किए गए हो, मतलब जिन्हें आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनाया हो, उस कैटेगरी में कौन आते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? ड्राइव डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल एरेज हुए, पॉइंटर्स हुए, ये क्या कहलाते हैं? ड्राइव डेटा टाइप कहलाते हैं। एंड थर्ड आता है यूजर डिफाइंड, जो यूजर ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए हों। यूजर मतलब मैं यहाँ प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ, जो मतलब प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो उसकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो नए डेटा टाइप यूजर बनाता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, यूनियन, या आगे की अगर हम बात करें C++ की, तो क्लासेस, ये सब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट हमें किस चीज पे फोकस करना है? सिर्फ प्रिमेटिव डेटा टाइप पे फोकस करना है। एरे और पॉइंटर्स के लिए हम अलग से ट्यूटोरियल्स करेंगे, यूजर डिफाइंड के लिए हम अलग से आगे चल के उसे पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी इनकी बात कर रहे हैं, इन पे फोकस करना है, इनको हम आगे देखेंगे। बट हाँ, ये अगर आप डेटा टाइप्स को मेन कैटेगरीज में या एक डिवीजन करना चाहते हैं, तो यही उनकी तीन मेन कैटेगरी हैं जिनमें आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव, ड्राइव एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर हुए होंगे, क्या होते हैं डेटा टाइप और उनका काम क्या है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। ओके, क्या बोला मैंने? कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। कंपाइलर जब भी आप कोई वर्ड किसी कीवर्ड को लिखते हैं, तो कंपाइलर को उसका मतलब पहले से पता होता है कि जब भी यूजर ने मतलब प्रोग्रामर ने ये वर्ड लिखा, तो मुझे ये काम परफॉर्म करना है। ओके, तो ऐसे कुछ जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मतलब पहले से कंपाइलर को पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। सी की बात करें अगर स्टैंडर्ड सी की, तो इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जिनमें से कुछ के अगर हम फॉर एग्जाम्पल नाम लें, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, वॉइड, इफ एल्स, फॉर, इफ रिटर्न। ओके, तो ये इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से बहुत सो का मतलब अभी आपको ही समझ में आ गया होगा, और ये बाकी के जो हैं वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको हर किसी का मतलब, इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, ये समझ में आते जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, ये तो डेटा टाइप्स हैं, ये आपको पता चल गए। वॉइड, ये भी एक डेटा टाइप है, रिटर्न नथिंग के लिए यूज होता है। इफ एल्स हमने सुना है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। फॉर एक लूप है, रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट है। तो इस टाइप के हर जो वर्ड्स हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक प्री डिफाइंड वर्क है, एक प्री डिफाइंड मीनिंग है कंपाइलर के लिए, इन्हें आप बोलते हैं कीवर्ड्स। यहां मैं फिर से एक बार ये चीज रिपीट करूंगा कि देखिए, कीवर्ड की या डेटा टाइप की या आइडेंटिफायर की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड्स इन जावा, तो आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही होगी, दे आर द रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। ओके, ये जो डेफिनेशन है ये हर कहीं सेम ही है। ओके, सी प्लस में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो। हाँ, जैसे सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जावा में ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं, इनके अलावा और भी कुछ बढ़ते हैं कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर, जैसे जो हम नेमिंग रूल्स की हमने बात करी अभी, वो जावा में कुछ और हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी शार्प में कुछ अलग रूल्स होते हैं नेम्स के। तो इस तरीके से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। जैसे डेटा टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे सी में कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं डेटा टाइप्स की साइज। ओके, बट जावा में ऐसा नहीं है, जावा में जो डेटा टाइप की साइज है वो फिक्स होती है। बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जो डेफिनेशन है डेटा टाइप की या जो आइडेंटिफायर की या कीवर्ड की, वो थ्रू आउट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगर आपने यहां एक चीज की डेफिनेशन पढ़ी है, एक चीज को समझ लिया है, तो वो थ्रू आउट आपकी आगे जाएगी, सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी, और कोई भी जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें। ओके, वो चेंज नहीं होती। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अगर आपको आज के ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और थोड़ा कंटेंट की नीड है, थ्योरी नोट से या वट एवर, अगर आपको कोई भी ऐसी नीड है, तो आप बुक को और ऐप को रिफर कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उनको डाउनलोड या बुक को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम
और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।